आइए आज विष्णु सूक्त का अध्ययन करते हैं। विष्णु सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 144वां सूक्त है। इसके ऋषि दीर्घतमा हैं, देवता विष्णु हैं। छंद त्रिष्टुप छंद का प्रयोग है इसमें। त्रिष्टुप छंद में 11 वर्ण होते हैं, एक चार चरण होते हैं, प्रत्येक छंद में चार चरण होते हैं तो कुल 44 वर्ण होते हैं। दो स्थानीय देवता विष्णु को, विष्णु जो है दो स्थानीय देवता हैं और इस विष्णु सूक्त में कुल 6 मंत्र हैं। विष्णु को सूर्यवाचक जरायुज आदि सृष्टि उरुगाय मतलब महान पुरुषों के द्वारा स्तुति किए जाने वाला उरु कर्म महान पुरुषों के द्वारा स्तुति और विष्णु अर्थात व्याप्त व्यापनशील उरु कर्म पराकर्म वाला गिरिशक्त यानी वाणियों में निवास करने वाला आदि इसको आदि नामों से इसको पुकारा जाता है। वृष्ण यानी कामनाओं को पूर्ण करने वाला विष्णु सूक्त का अध्ययन करते हैं। विष्णुर्नुकम वीर्याणि पर्वोच्चम ये पार्थिवानि विममे रजांसी यह अस्क भयम दुतरम सदस्तम विचक्रमाण इस्ते दो उरु गाय अर्थात ऋषि दीर्घतमा ने विष्णु के पराक्रम का वर्णन करते हुए कहा है कि मैं विष्णु के पराक्रम का शीघ्र ही वर्णन करता हूँ। जिसने पृथ्वी आदि लोकों को बनाया है, जिस विष्णु ने 3 प्रकार से विचरण करते हुए और अधिक ऊंचे लोकों को बनाया है, पराक्रम से युक्त महान पुरुषों से स्तुति योग्य जन समूह से प्रशंसनीय इस लोक को बनाया है, इस विष्णु की मैं स्तुति करता हूँ, पराक्रम का वर्णन करता हूँ। दूसरा सूक्त है प्रदत्त विष्णु स्तवते वीरेण मृगन भीमह कुचरो गिरिष्टा यशो उसु त्रिषु विक्रमेणशु अधिशयन्ति भुवनानि विश्वा अर्थात विष्णु जिसके विशाल तीनों कदमों में संपूर्ण प्राणी निवास करते हैं, अपने उन वीरता युक्त कार्य के कारण स्तुति किया जाता है। जिस प्रकार पर्वत पर रहने वाला तथा अपने इच्छा अनुकूल विचरण करने वाला भयानक पशु। तीसरा मंत्र है प्र विष्णु शुष्मेतु मनमह गिरिशित उरुगायाय वृष्ण ये इदम दीर्घ पर्येत सदस्तमेको विममे त्रिभित पदे भी अर्थात मेरी शक्तिशाली प्रार्थना ऋषि दीर्घतमा विष्णु के पराक्रम की का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरी शक्तिशाली प्रार्थना ऊंचे लोकों में निवास करने वाले विशाल कदमों वाले इच्छाओं की पूर्ति करने वाले विष्णु के पास मेरी प्रार्थना पहुँचे, जिसने इस बड़े विस्तृत पवित्र आत्माओं के मिलन स्थान को अकेले 3 पदों से नापा था। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु से अपने 3 पैरों से संपूर्ण पृथ्वी को नापा था, तो उसकी पराक्रम की वर्ण उसी पराक्रम का गान करते हुए ऋषि दीर्घतमा कहते हैं कि मैं उस लोक में निवास जाने की इच्छा करता हूँ। मेरी शक्तिशाली प्रार्थना वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर विशाल कदमों की वाले इच्छाओं की पूर्ति करने वाले विष्णु के पास, जिसने इस बड़े विस्तृत पवित्र आत्माओं के निवास मिलन स्थान को अकेले 3 पदों से नापा था। ऋषि दीर्घतमा कहते हैं 4th मंत्र में यश त्रिपूर्ण मधुना पधान्य अक्षय माना स्वधया मदंती ये उत्तरी धातु पृथ्वी मुद्धाम एको दादार भुवनानि विश्वा। विष्णु का पराक्रम का वर्णन करते हुए ऋषि दीर्घतमा कहते हैं कि जिस विष्णु के 3 पैर जिसके मधुर अमृत से पूर्ण रूप से भरे हुए 3 पैर कभी नष्ट नहीं होने वाले होते हुए अन्न से उस लोक से आनंदित होते हैं, अकेले उस विष्णु ने जिस पृथ्वी लोक और धूलोक को
संपूर्ण लोकों को त्रिधातु अर्थात पृथ्वी जल और तेज से बनाते हुए धारण किया। उस विष्णु की मैं पराक्रम का वर्णन करता हूँ। पांचवें मंत्र में ऋषि दीर्घतमा वर्ण पराक्रम के विष्णु के पराक्रम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि तदस्य प्रियम भी प्रातो अश्याम नरो यत्र देव यवो मदंती उरु कर्मश्य शे ही बंधुरिता विष्णु पदे परमे मध्व उत्से। ऋषि दीर्घतमा कहते हैं कि उस विष्णु के पराक्रम का मैं विष्णु के उस लोक को प्राप्त करूं, मैं विष्णु के तदस्य मतलब उस लोक को जिस लोक में पाथो अश्याम मतलब उस लोक को प्राप्त करूं जिसमें नरो यत्र देव यवो मदंती जहां पर देवतुल्य मनुष्य आनंदित कर रहते हैं, जिसमें जहां पर दिव्य गुणों से युक्त मनुष्य रहते हैं, उस लोक में मैं निवास करना चाहता हूं, उस लोक को प्राप्त करूं मैं। उरु कर्मस्य से ही बंधु रिथा विष्णु पदे परमे मध्व उत्स है कि विशाल हृदय वाले उरु कर्म मतलब विशाल हृदय या विशाल पराक्रम से युक्त है वाले विष्णु के परम पद पर उत्स मतलब अमृत शहद का झरना है। उस विष्णु के परम पद पर शहद का या अमृत का झरना है, उस स्थान पर मैं प्राप्त करना चाहता हूँ या निवास करना चाहता हूँ। आगे ऋषि दीर्घतमा पराक्रम का वर्णन करते हुए कहते हैं ताम वाम वास्तु नैशूमसि गम मध्य यत्र गावो गुरिशृंग अयासिं अत्राहि तदुर्गायश्य रश्मि परमं पदं वभाति भूरिं। अर्थात जहाँ पर यत्र भूरिशृंगा मतलब यत गाव मतलब गायें, भूरिशृंगा मतलब विशाल प्रकाश वाली बड़े शिंगों वाली प्रकाशमान शिंगों वाली गायें जहाँ पर निवास करती है, उस स्थान पर जाने के लिए मैं इच्छा करता हूँ। यहीं पर विशाल गति वाले इच्छाओं की पूर्ति करने वाले विष्णु का उस प्रकार का परम धाम नीचे मतलब हमारी तरफ अत्यधिक रूप से प्रकाशित हो रहा है। आज विष्णु सूक्त में 6 मंत्र जो हमारे सिलेबस में थे वो पूर्ण हुए। अगले सूक्त हैं जैसे अग्नि सूक्त है हमारे सिलेबस में, पुरुष सूक्त हैं, वो उसका अध्ययन भी हम करेंगे। थैंक यू।